नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। और आज मैं राज्य चुनाव आयुक्त के ऑफिस पंचकुला आया हूं, क्योंकि कल मेरी चेतावनी के बावजूद भी सरकारी अमले का दुरुपयोग किया गया और माननीय मंत्री जी ने, जो कि खुद चुनाव मंत्री हैं, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। 3 प्रोग्राम तो रद्द कर दिए, परंतु उनको ये पता होना चाहिए था चुनाव मंत्री रहते हुए कि आप कोई नई घोषणा नहीं कर सकते जिन गांवों में चुनाव होना है, जिन लोगों ने वोट डालनी है। और आपको ये सब चीज़ें चुनाव के समय क्यों याद आ रही हैं? क्या आपको ध्वज गांव इससे पहले नहीं पता था? क्या ध्वज का क्रेशर जोन आपको नहीं पता? क्या फतेहपुर तगा गांव नहीं पता? क्या सिरोही गांव नहीं पता? जब चुनाव आ गए, भोले भाले लोगों को ठगने के लिए आप कहीं बस चलाने की बात कर रहे हैं, कहीं सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख है कि आप स्वयं मंत्री हैं, आप इलेक्शन मिनिस्टर भी हैं, आपको पता होना चाहिए आचार संहिता क्या होती है। आपका सरकारी जो प्रेस नोट है वो भी मैंने पढ़ा, जहाँ जहाँ गया वहाँ भी देखा। उस प्रेस नोट में आपने फतेहपुर तगा गांव का जिक्र किया, नेकपुर से फतेहपुर तगा, नेकपुर से ध्वज का जिक्र किया, जो कि आदर्श आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप एक चपरासी की नौकरी कहते हैं, मैं मेरिट पे देता हूँ, इंटरव्यू लेके देता हूँ, एग्जाम लेके देता हूँ, और विभाग का मंत्री आपने ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसको खुद ही विभाग के बारे में नहीं पता, विभाग के कानून के बारे में नहीं पता, वो विभाग कैसे चलेगा? इसीलिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। मैंने आज माननीय चुनाव आयुक्त महोदय के यहाँ शिकायत दी है और मैं चाहूँगा कि निष्पक्षता से जाँच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। और आज 200 करोड़ के घोटाले में भी मुझे कुछ बहुत अहम तथ्य पता लगे हैं कि जो राजनीतिक आका हैं, जिनके खिलाफ सरकार जांच नहीं कर रही, उनको लेकर भी मैंने हाई कोर्ट जाने का संकल्प लिया है। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।